हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इकाई का अंक पता लगाने का शानदार ट्रिक सिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर जिस संख्या के अंत में अगर 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए और 8 मिल जाए, तो उसके पावर में जो भाग देंगे वो कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। अगर अंत में 4 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो उसको कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। अगर अंत में किसी भी संख्या के अंत 1, 5, 6 मिल जाए, जो दिया है वही होगा, जो दिया है वही इकाई का अंक होगा, जो दिया है वही इकाई का अंक होगा। देखिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक में अगर क्वेश्चन है 2, 3, 5, 6, ठीक, इस पर पूछ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, इतना बार है, और पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रश्न का इकाई का अंक क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए हम ट्रिक में सिखाएं कि अंत में अगर 1, 5, 6 मिले, तो अंत में 6 मिल गया तो इसके इकाई का अंक में जो दिया है वही होगा, यानी 6 दिया है तो 6 होगा, यानी इसका आंसर इकाई के अंक में क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 6। दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिए, अगर हम मान लेते हैं 5, 6, 9, 3 दिया है, अब पूछ रहा है 5, 4, 3, 2, इकाई के अंक में क्या होगा? इकाई के अंक में क्या होगा? देखिए दोस्तों बहुत आसान है। हम बताएं कि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो कितना से भाग देना है? 4 से। हम 4 से इसको भाग देकर चेक कर लेंगे, जो आएगा उसको पावर चढ़ा कर हम पता कर लेंगे इकाई का अंक। देखिए 4 से जब हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 पर 4 14, 4 तेई 12, 2 पर 3 23, 4 पच्चीस 20 और 3 पर 2 32, 4 8 32, यानी पूरा पूरा जब भी कट जाए, पूरा पूरा, तो समझ जाइए कि जो इकाई का अंक दिया है उस पर पावर 4 होगा। अगर नहीं रहता, अगर 2 आता तो 3 का पावर क्या होता है? 9 होता है, इकाई के अंक में 9 हो जाता। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इकाई के अंक में क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी गुना करने पर कितना आया? 81, यानी कि इकाई के अंक में हमको क्या मिला? 1 मिला। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि हमें इकाई के अंक में 5, 6, 9, 4 पर पावर 5, 9, 3, 2 मिल गया, ठीक, और पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसके इकाई के अंक में क्या मिला हमको? 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसलिए हम कितना से भाग कराएंगे? 2 से कराएंगे, 2 से पावर में भाग कराएंगे, तो 2 दूना 4, 1 पर 9 19, 2 नवा 18, 1 पर 3 13, 2 छक 12, 1 पर 2 12, 2 छक 12। देखिए दोस्तों आपको लगेगा कि पूरा फिर पूरा पूरा कट गया, इसलिए ये क्या होगा? 4 पर पावर 4 होगा, इसलिए हम इसको बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए दोस्तों इसको जब भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 पर 9 19 और 2 नवा 18, 1 पर 3 13, 2 छक 12, 1 पर 3 13, 2 छक 12, 1 आया, यानी 4 पर पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4, यही इकाई का अंक हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत के बाद ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं। थैंक्स दोस्तों।